वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी प्यार और दुआ की वजह से हम सब बहुत अच्छे हैं। तो चलिए एक नया सुबह का शुरुआत करते हैं आप सबके साथ। तो अभी मॉर्निंग का हो रहा है आपका 7 बज रहा था। मैं उठी 5 बजे बेटा को स्कूल भेज दिया था, वर्कआउट कम्प्लीट हो चुका था। आप आ गए हो मैं किचन में, हस्बैंड को मैंने बेड टी दे दिया था। तो आज एक राइस बनाएंगे, तो एक राइस के लिए मैंने कढ़ाई में तेल, जीरा, कड़िया पत्ता, प्याज और एक डाल दिया था। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी। तो ये एक राइस जो है मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मैं थोड़ा सा राइस देती हूँ तो प्लेन राइस देना अच्छा नहीं लगता, इसलिए राइस को कुछ ना कुछ बना के देती हूँ, खाने में भी टेस्टी लगे, देखने में भी टेस्टी लगे। तो चलिए आज बारिश, सुबह से मौसम क्या, लेकिन सुबह थोड़ा बारिश नहीं हुआ था तो स्कूल भेज पाए बेटा को, कल नहीं भेज पाए थे। और अभी क्लास 5 चल रहा तो ज़्यादा स्कूल मिस नहीं कर सकते। तो क्या बोल रहे थे, बेटा का स्कूल नहीं मिस कर सकते इसलिए उसको मैंने स्कूल भेज दिया था। हस्बैंड का ऑफिस जाना। तो ये जो राइस होता है ना, रात को जो मैं राइस बनाती हूँ थोड़ा ज़्यादा बनाती हूँ, क्योंकि जो मेरा कंटिन्यू ब्लॉग देखते हैं उनको पता होगा कि मेरे ससुर राइस खाते हैं। तो कंटिन्यू ब्लॉगर को मतलब जो मुझे देखते हैं उनको पता है कि मेरे ससुर और कुछ खा नहीं पाता है राइस छोड़ के। मैं कुछ भी बनाती हूँ लेकिन ससुर जी के लिए मुझे राइस बनाना पड़ता है, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा राइस बना लेती हूँ कि सुबह काम में आ जाए। तो मेरा ना घर में कच्चा मिर्चा ख़त्म हो गया था, इसलिए थोड़ा सा मिर्चा गुंडे मैंने दे दिया था, क्योंकि थोड़ा तीखा नहीं लगने से अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए। इसका कलर बहुत ही अच्छा है और कड़िया पत्ता देने से स्मेल बहुत अच्छा आता है। और कड़िया पत्ता का पेड़ मेरा घर का बगल में है, और रोज़ सुबह जो मैं खाती हूँ नीम का पत्ता और कड़िया पत्ता और हल्दी, तो कड़िया पत्ता मेरा घर में ऑलवेज अवेलेबल रहता है। अब मैं नींबू दे देती हूँ, ये हम लोग का पेड़ का ही नींबू है, बहुत ज़्यादा अभी रस हो गया नींबू में। और नींबू आप लोग को दिखाए थे ना, पेड़ में बहुत ज़्यादा नींबू आया था। तो मैं रोज़ सुबह गर्म पानी के साथ पीती हूँ और जो कोई तो यूज़ हो जाता है। तो मेरा राइस रेडी हो चुका है, अब मैं बना लूँगी सब्जी। तो कल रात को मैंने छोला भिंगा के रखा था चना, तो आज मैं चना मसाला बनाऊंगी। कोई मसाला मतलब चना मसाला का कोई पैकेट वाला मसाला नहीं लाए हैं, ऐसे ही बनाऊंगी। तो चना को मैंने पहले उबाल के रख दिया था। सुबह जब मैं उठती हूँ ना तो मैं आटा सान के और चना उबाल के रख देती हूँ कि कितना काम जल्दी जल्दी हो जाए इधर बेटा का रेडी होते होते। तो मैं यहाँ पे सरसों का तेल इस्तेमाल में, ज़्यादातर हम लोग सब्जी में सरसों का तेल ही खाते हैं, तो सरसों का तेल आज ना चना बहुत अच्छा बना था। मेरे हस्बैंड ना ऑफिस में जाके मुझे फ़ोन करके बता रहा था कि राइस का साथ चना बहुत ही अच्छा लग रहा। तो आप सबको मेरा ब्लॉग कैसे लगता है आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और जो कोई भी मतलब नया मुझे देख रहे हैं तो वो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग का प्यार का वजह से मेरा चैनल बहुत आगे बढ़ रहा है, तो थैंक यू सो मच। जो कोई भी देख रहे हैं मुझे सब्सक्राइब सपोर्ट करते रहिएगा। और आप लोग को मेरा शॉर्ट वीडियो कैसे लगता है आप लोग बताइएगा ज़रूर। मैं हस्बैंड को ऑफिस भेजने के बाद आज थोड़ा सा काम है, सारा घर का साफ सफाई तो हो चुका जैसे आप लोग देखे होंगे, लेकिन हम लोग का कॉरिडोर जो लंबा वाला है उसको मैंने नहीं साफ किया था, तो उसको थोड़ा सा खाली आज झाड़ देंगे। और दोनों ऊपर और नीचे का बाथरूम साफ करना है, ऐसे ना मेरा हस्बैंड मुझे बाथरूम नहीं साफ करने देते कि नहीं मैं साफ कर दूंगी, लेकिन मैं सोच रही हूँ आज मैं शैम्पू कर मतलब हेना लगाऊंगी तो बाल धोएंगे, इसीलिए सोच रहे हैं कि मैं ही कर दूँ। तो ये चना में ना मैंने आलू थोड़ा सा मैश करके दिया था और एक पैकेट मैगी मसाला डाल दिया था और हल्दी नमक जो कुछ भी है डाल दिया था। बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था चना, मैंने भी खाया था चना तो बहुत टेस्टी बना था। तो अभी ना मेरे हस्बैंड को ऑफिस भेजने के बाद मैं सोच रही हूँ कि आज मैं आधा घंटा हो सके तो रेस्ट कर लूँ, क्योंकि कल रात को मेरा नींद पूरा नहीं हुआ था। अब नींद पूरा नहीं होने के बाद सुबह उठने के बाद अच्छा नहीं लगता है, कल रात को पता नहीं नींद नहीं आ रहा था मेरे पैर में, थोड़ा सा वर्कआउट का वजह से या किस वजह से दर्द हो रहा था। तो बीच में अगर वर्कआउट आप करते हैं और बीच में 2-1 दिन छूट जाता है तो उसका बाद करने में बहुत दिक्कत होता है। तो बारिश का वजह से 2-3 दिन मेरा वर्कआउट एकदम बंद था, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था। और उसका बाद वर्कआउट किए तो मेरा बाएं पैर में पता नहीं क्यों ज़्यादा पेन हो रहा था, इसी वजह से कल रात को नहीं सो पाए थे अच्छे से। और सुबह 5 बजे उठे तो नींद पूरा नहीं हुआ। तो कुछ रोटी बनाएंगे और हस्बैंड के टिफिन के लिए गर्मा गर्म पराठा बना देंगे, तो वो रोटी खा के जाएंगे और पराठा लेके जाएंगे। तो रोटी सेक लेते हैं, रोटी मेरा ससुर जी, मेरा हस्बैंड और जो काम करती हूँ उसके लिए करेंगे। कल रात को आलू पराठा बनाए थे, आप लोग जैसे जो मेरा ब्लॉग देखते हैं उनको पता होगा, कल रात को बनाए थे आलू पराठा जो मेरे बेटा का बहुत ज़्यादा फेवरेट था।
तो वही आलू पराठा उसको टिफिन में दे दिए थे, और एक पैकेट केक दे दिए थे, और एक आलू पराठा दे दिए थे। कल का रात ही का था, तो आलू पराठा 3 ठो बचा था, एक बेटा को दे दिए थे। और मेरा हस्बैंड सुबह बोला मैं नहीं खाऊंगी, तो वही 2 मैं खा लूंगी सोच रही हूँ। तो आज सुबह बेटा को इडली नहीं दिए थे, आलू पराठा और केक दिए थे। तो रोटी मेरा जो मेरा हस्बैंड खा के जाएगा गरम गरम हो चुका है। और सुबह सुबह जो होता है ना, मेरा हस्बैंड थोड़ा सा गर्म खाना खाना ही पसंद करते हैं, रात वाला नहीं पसंद करते। क्योंकि बोलते हैं कि दोपहर को तो ठंडा ही खाना खाते हैं, क्योंकि अभी जो टिफिन लेके जाते हैं 1:30-2 बजे तक खाते हैं, तो वो तो ठंडा हो जाएगा ना इसीलिए। और गर्म हम लोग जो जो मेरे हस्बैंड को टिफिन देते हैं ना, वो गर्म वाला, गर्म रहने वाला नहीं है, प्लेन स्टील वाला। इसीलिए तो इस तरह से जो पराठा मैं बनाती हूँ ना, ये मेरे हस्बैंड और बच्चा दोनों को अच्छा लगता है। ये पराठा बनाने का भी एक बहुत बड़ा स्टोरी है। हाँ, जहाँ मेरा मायके है, जहाँ मेरे पापा काम करते हैं ना, वो लोग वहाँ पे ना पंजाबी लोग ज़्यादा रहे, तो वो पंजाबी लोग बचपन से उन लोग का घर में बहुत आना जाना था, दोस्ती यारी था। उन लोग ना इस तरह का पराठा बनाता था, और वो तड़का का साथ खाते थे। तो इस तरह का पराठा जब मैं उनका घर में देखती, हम लोग बंगाली लोग ज़्यादातर इस तरह का पराठा नहीं बनाते, ज़्यादातर पंजाबी लोग यही पराठा बनाते हैं, तो मुझे ना बहुत अच्छा लगता था तब। और मैं मम्मी को आके बोलती थी रोज़ कि मुझे भी ऐसा पराठा बना दीजिए पंजाबी लोग जैसा। तो तब से मुझे ये पराठा बहुत ज़्यादा पसंद होने लगा। और बोलता है ना, माँ का कुछ गुण बच्चा में रहता है। अब क्या हुआ, मेरे बेटा को बना के देते हैं ना, तो मेरे बेटा को भी ये वाला पराठा बहुत अच्छा लगता है। फिर मेरे हस्बैंड भी अभी बोलते हैं कि हाँ यही पराठा टेस्टी लगता है। तो इसीलिए उनके लिए भी इस तरह का मैंने पराठा बना दिया। सुबह सुबह मेरा सबसे ज़्यादा काम होता है, क्योंकि जब तक हस्बैंड और बच्चा ऑफिस और स्कूल नहीं निकल जाता, तब तक मैं ब्रश करने का भी मुझे वक्त नहीं मिलता है। ये दोनों को भेजने के बाद मैं आराम से सारा काम करती हूँ। लेकिन जिस दिन मैं वर्कआउट करती हूँ, उस दिन मैं बेटा को स्कूल भेज के ब्रश करके नींबू पानी पी के वर्कआउट के लिए चल जाती हूँ ऊपर। तो आज मेरा ब्रश वगैरह सब कुछ हो चुका था, और नींबू पानी मैंने पी लिया था, और हल्दी भी मैंने खा लिया था। सुबह खाली पेट अगर आप हल्दी और नीम का पत्ता और कड़िया पत्ता रोज खाते हैं, तो वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो इस तरह से पराठा जो है गरम गरम बन चुका है, देख रहे कितना लाल लाल कड़क कड़क हुआ है। तो अब मैं टिफिन में डाल दूंगी। अब सारा बर्तन जो है मुझे बाहर निकालना है। तो आज का टिफिन कुछ इस तरह से है, एग राइस, पराठा और चना मसाला। तो मेरा कंटिन्यू ब्लॉग देखते हो तो पता है, कल रात को मैंने हिना भी जा भिंगो के रखा था, तो हिना मैं भिंगो के रख दिया था। अब इसमें मैं नींबू काट के ले लूँगी, और इसमें दही रहता तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन मतलब बहुत अच्छा रहता। तो मेरा घर में अभी दही है नहीं, तो इसी वजह से मैं नींबू निचोड़ के ले लेती हूँ। और इसमें एक अंडा डालेंगे, और थोड़ा सा सरसों के तेल, और पूरा हेयर में लगा लेंगे, क्योंकि जितना देर तक ये बाल में रहे बहुत अच्छा। और आज शैम्पू नहीं करेंगे, फिर प्लेन पानी से बाल धो के रात को बहुत अच्छा से तेल लगा लेंगे, और दूसरा दिन जो है हेयर को शैम्पू करेंगे, तो बाल बहुत अच्छा रहता है। हेना महीना में एक बार जरूर करना चाहिए। आप लोग में से कौन कौन करते हैं मुझे कमेंट करके बता। हर महीना करती हूँ। इसमें क्या होता है ना, बाल तो एकदम बहुत अच्छा रहता है, और जो कोई भी कलर, अभी तो 90% लोग कलर करवाते हैं ना बाल में, कलर आपका बहुत अच्छा रहेगा। तो इधर मैंने पस्तू भिंगाया था, और ये बेड उड रूम वूम साफ करना है। और फिर मैंने नाश्ता किया, गुड़ वाला चाय, चना मसाला, और कल रात का जो आलू का पराठा बचा था 1:30, मतलब एक और आधा बचा था, मेरा बेटा आधा खाया था। तो फिर मैंने कहा नाश्ता करने के बाद, ये जो आप देख रहे हैं ना टेबल क्लॉथ, मुझे उठाया था। उठाने के बाद मैंने सारा काम कंप्लीट करके खाना बनाया था। आज अंडा मसाला बनाया था, पत्ता गोभी का सब्जी था। आपको रेसिपी आज नहीं मतलब दिखाए, क्योंकि एक ही रेसिपी रोज़ दिखाना अच्छा नहीं लगता। लोगों की पोस्तू और दाल था, तो देख सकते टेबल का कवर मैंने उठा दिया था, और बाकी जैसे पूरा सब कुर्सी का कवर मैंने लगा दिया, पर्दा भी लगा दिया था, सोफा का कवर और टेबल का कवर फीच के बाहर पसा रहे थे, लेकिन बारिश आ गया अचानक, फिर बेटा का साइकिल का ऊपर रख दिए थे। ये रूम का मतलब एक रूम का पर्दा सब अंदर वाला रूम का बाकी है, बाकी सारा कुछ लगा दिए थे। तो कैसा लग रहा है मेरा घर बताइएगा जरूर। ये टेबल क्लॉथ मैं लगाऊंगी, शाम को अच्छा से सूख जाए, और ये वाला अभी लगाना है। और बेसिन वगैरह मैंने सब कुछ बहुत अच्छा से साफ किया था, और एक्वेरियम भी साफ किए थे। तो अभी तक एक्वेरियम का पानी बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं हुआ, शाम तक उसको साफ करने के बाद शाम तक उसका पानी क्लियर होने में वक्त लगता है। तो इधर का मेरा काम कम्प्लीट ही हो चुका है। तो चलिए आपको दिखाते, गैस वगैरह भी मैंने पोंछ लिया था, फिर खाना खा के सो गया था। आज शाम को मैंने पूरी बनाया था रात के लिए, पूरी और पत्ता गोभी का सब्जी था,
और मेरा ससुर जी के लिए चावल था और हस्बैंड ऑफिस से आ चुके थे, उनके लिए मैंने चाय चढ़ा, बोतल वगैरह मैंने निकाल लिया था धोने के लिए। तो ब्लॉग को यही एंड करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। टाटा।